दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैं दिल्ली वाले स्टाइल से बना रही हूँ। विंटर का सीजन आ गया है और जाड़ों में ये हलवा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। गाजर का हलवा बनाने के लिए देखिए, मैंने 1 kg गाजर को साफ करके छील कर कद्दूकस कर लिया है। 100 ग्राम मैंने चीनी ली है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी चीनी को और बढ़ा सकते हैं, कम मीठा पसंद है तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं। 1 kg दूध का मैंने लिया है। 200 ग्राम खोया लिया है, मिल्की मिस्ट का खोया है। 150 ग्राम देसी घी यूज करूंगी। 1/4 teaspoon छोटी इलायची का पाउडर लिया है। 2 tablespoon बादामों को भिगोकर छीलकर 2 पीसों में काट लिया है और 2 tablespoon मैंने काजू के लिए है और 1 tablespoon मगज का लिया है। इसको आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरे बर्नर पर एक खुले बर्तन की चौड़ी मुखी कढ़ाई को रखा है। इस तरह की कढ़ाई में बहुत आसान तरीके से हलवा बन जाता है। सबसे पहले आपको इसमें देसी घी डालना है। देसी घी देखिए गर्म हो चुका है और इस स्टेज पर आपको इसमें ये गाजरों को ऐड कर देना है। इन गाजरों को बीच बीच में चलाते हुए मुझे उस स्टेज तक भूनना है कि इन गाजरों का सारा पानी खुश्क हो जाए और ये गाजरें भूनते भूनते थोड़ी सी नरम हो जाए और मुरझा जाए और ऑयल की चमक गाजरों के ऊपर आ जाए। दूध भी मेरा देखिए इस टाइम बॉयल हो चुका है और इसको मैं अब ठंडा करने के लिए साइड में रख देती हूँ। बीच बीच में मुझे चलाते हुए ही इसको भूनना है। फ्लेम को मुझे मीडियम ही रखना है। फ्रेंड्स, ये हलवा बिल्कुल शादियों वाला गाजर का हलवा है। जिस तरह दिल्ली में शादियों में और पार्टी वगैरह में गाजर का हलवा बनाया जाता है, ये मैं उसी तरह का बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर आइए, दिल्ली वाले खानों का जायका पाइए और अपने खानों की शान को बढ़ाइए। अगर आपको कुछ अच्छा या बुरा लगता है तो कमेंट्स के सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे इन गाजरों को सेकते हुए और इसमें ऑयल अब कढ़ाई में देखिए ऊपर दिखने लगा है और इन गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और ये थोड़ी थोड़ी मुलायम भी हो गई हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन इससे जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो गाजर की एक अपनी स्मेल होती है वो इस प्रोसेस में ख़त्म हो जाएगी और गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। इस स्टेज पर मुझे थोड़ा थोड़ा दूध इसमें ऐड कर दीजिए। एक साथ डालने से थोड़ा सा फटने का डर रहता है, कोशिश करिए दूध को ठंडा करके डालिए। फ्लेम को मैंने तेज कर दिया है। इस तरह से आप इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर दीजिए। सारा दूध डालने के बाद जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है, इसको बीच बीच में मुझे चलाते रहना है ताकि ये दूध फट ना जाए। दूध में थोड़ा थोड़ा बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब मुझे फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको पकने देना है। फ्लेम को मुझे उतना रखना है कि ये बॉईल होकर ऊपर ना आए, बस धीमी धीमी आग में ही पकता रहे। मेरे पास एक प्याली ये मलाई की है। अगर आपके पास भी मलाई है तो आप इस टाइम इसमें ऐड कर दीजिए। यह अमूल की क्रीम भी आप इस टाइम इसमें 1 कप डाल सकते हैं। इस टाइम ऐड कर रही हूँ। आपके पास भी अगर क्रीम या मलाई है तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बीच बीच में चलाते हुए आप इस तरह से पूरे दूध को सूखने तक पका लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, गाजरों के साथ दूध को पकते हुए
30 मिनट्स हो चुके हैं और दूध लगभग सूख चुका है। गाजर के हलवे को बनाने में लगभग एक घंटा लग जाता है। अब इस स्टेज पर आपको बहुत ख्याल रखना है कि ये नीचे लग ना जाए। बराबर चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर दूध को पूरा सूखा लेना है। देखिए गाजर के हलवे में दूध पूरा अच्छी तरह से सूख चुका है और ये थोड़ा थोड़ा घी दिखने लगा है। अब इस स्टेज पर आपको इसमें ये चीनी मिला देनी है। और फ्लेम को लो टू मीडियम इस टाइम रखना है और चलाते हुए इसको अच्छी तरह से और भून लेना है। गाजर का हलवा देखिए इस टाइम लगभग भून चुका है और ये हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, लेकिन मुझे उस स्टेज तक अभी और उसको भूनना है कि इसका सारा घी जो है वो बाहर आ जाए और इस हलवे के ऊपर चमक आ जाए। खोए को पैकेट से निकालकर मैंने हाथ से अच्छी तरह से मसल लिया है। आधे खोए को आप इस टाइम हलवे में मिला दीजिए। आधा खोए को मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए बचा लिया है। ये देखिए खोया अच्छी तरह से इस हलवे में मिक्स हो गया है। धीमी आंच पर इसको बराबर चलाते रहना है। धीरे धीरे भूनते भूनते सारा घी इसका ऊपर आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए अब गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सारा घी इसका बाहर आ गया है। ये देखिए सारा घी इसका बाहर आ गया है और इसमें से इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बंद करने के बाद ये मगज, आधे काजू और आधे बादाम, आधे आधे इसमें अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देने हैं और आधे ऊपर गार्निश के लिए बचा लेना है। इस तरह से देखिए ये गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।